कैसे हैं आप लोग। विश यू वेरी हैप्पी फेस्टिव सीजन टू ऑल ऑफ यू। तो आज मेरे पास ब्रेड रखी थी बहुत सारी, मतलब दो ब्रेड आ गई थी, कोई स्कीम चल रही थी उसमें 1+1 थी, दो बड़ी वाली ब्रेड आ गई, एक तो ख़त्म हो गई, एक अभी बची हुई है। तो मैंने सोचा कि ये ख़राब हो जाएगी, इसका क्या करते हैं। तो मैं आज इसका बना रही हूँ शाही टोस्ट। शाही टोस्ट बहुत टेस्टी लगता है और आप खुद खाइए या किसी को आने वाले मेहमान को खिलाइए, उनको भी बहुत पसंद आएगा। जलेबी से मिलता जुलता सा टेस्ट होता है इसका। तो देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है। ये मैंने 5-6 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, उनको ट्रायंगुलर शेप में मैंने काट लिया है। और ये मैंने थोड़ी चाशनी बना के रखी है, चाशनी बहुत सिंपल बनाई है, बहुत गाढ़ी नहीं है। बस जितनी चीनी उसका आधा पानी लेकर चीनी घुल गई, उसके बाद सिर्फ 5 मिनट तक मैंने और इसको बॉईल किया और फिर छान कर इसको रख लिया। अब हम ब्रेड को गोल्डन होने तक, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम डीप फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसे डाल देंगे इस चाशनी में। ये देखिए एकदम हमारी बिल्कुल बढ़िया से ये ब्रेड सिक गई है। इसको थोड़ी देर ऐसे रोक के ताकि इसमें जितना भी रिफाइंड चला गया है वो सब निचुड़ जाए। इसे हम निकाल लेंगे और डाल देंगे इस चाशनी में। चाशनी को मैंने ठंडा कर लिया था क्योंकि अगर गर्म चाशनी में डालें तो ये सौगी हो जाते हैं। अब इसको ठंडी चाशनी में डालेंगे, बस 2 मिनट भीगे रहने देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। ये बहुत ही करारे बन के तैयार होंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। ये मैंने ले ली है 2 चम्मच मलाई और इसमें मैंने डाला है 2 बूंद वनीला एसेंस। और ये मेरे पास थोड़ी सी कलरफुल ये टूटी फ्रूटी रखी थी, केक में डालने के लिए मंगा के रखती हूँ मैं, ये मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर ली है। अब इसको अच्छी तरह से फेंट कर और हम इसके ऊपर थोड़ी सी ड्रेसिंग कर देंगे। इसको ऐसे टोस्ट के ऊपर थोड़ा सा लगाइए। और 2-3 चेरी ऊपर से डेकोरेट करने के लिए लगा दीजिए। तो ये आपकी शाही टोस्ट बनकर है रेडी। देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखा आपने, ये ब्रेड बनानी है कितनी आसान। इस पर आप लगाने के लिए, जैसे मैंने ये मलाई, ये थोड़ा जल्दी वाला काम है कि जल्दी से अगर कोई आ गया है, आपके पास टाइम कम है, तो आप ये क्विक वाला आइडिया है वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम इसके ऊपर रबड़ी डालते हैं, उसके लिए दूध को बहुत अच्छी तरह से कढ़ा लेते हैं, जब दूध बॉयल करने रख देते हैं और जब वो बिल्कुल 1/4 रह जाता है उतनी कंसिस्टेंसी तक हम उसको थिक कर लेते हैं, ठंडा होकर वो और थिक हो जाता है। फिर उसके अंदर हम पिसी हुई इलायची और बादाम वगैरह डाल लेते हैं और वो लगाते हैं इस टोस्ट के ऊपर, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन वो थोड़ी हैवी हो जाती है, इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती, तो मैं इसके ऊपर कुछ लगाती नहीं हूँ। मेरे घर में तो सब ऐसे ही है, भी चलते फिरते सारी ऐसे ही खा लेंगे, इस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप किसी के सामने अगर सर्व कर रहे हैं तो थोड़ी सी ऊपर से अगर डेकोरेशन की हुई हो तो चीज़ देखने में अच्छी लगती है। अगर आप इसके ऊपर ये मलाई वगैरह नहीं डाल सकते हैं या नहीं डालना चाहते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इस मलाई में मीठा वीठा मैंने कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि टोस्ट ऑलरेडी बहुत मीठी है, उसके अंदर चाशनी है और जो टूटी फ्रूटी डाली है ये भी मीठी है, तो हल्की मिठास तो उसमें ऑलरेडी आ जाती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। एक और भी इसका आइडिया कर सकते हैं हम, कि इसको चाशनी में मत डिप कीजिए, ब्रेड को फ्राई कर लीजिए और उसके ऊपर मिल्क मेड लगा लीजिए। मिल्क मेड लगा के उसके ऊपर अगर आप कोई ड्राई फ्रूट वगैरह या इलायची डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम एक डबल का मीठा बनाते हैं, वो भी बनाना बहुत इजी होता है। उसकी मैं एक छोटी सी वर्बल रेसिपी आपको दे देती हूँ। जैसे ब्रेड रोल के लिए हम ब्रेड को गीला करते हैं ना, ऐसे ब्रेड को गीला कर लीजिए और ऐसी मुट्ठी ऐसे दबा कर मुट्ठियाँ बनाकर उसका पानी निचोड़ दीजिए और फिर उसको ऐसे कैसे फ्राई कर लीजिए, जैसे ब्रेड रोल फ्राई करते हैं। बस उसके अंदर कुछ भरना नहीं है,
सिंपली उसको फ्राई कर लीजिए और दूध को बॉईल करने रख दीजिए। जब दूध अच्छी तरह बॉईल हो जाए ना, तो वो जो मुट्ठियाँ आपने ब्रेड की करके रखी हैं फ्राई करके जो रखी हैं, उसको दूध के अंदर छोड़ दीजिए और उसको दूध के साथ साथ करने दीजिए बहुत अच्छी तरह। तो वो एकदम गाढ़ा हो जाएगा ना, तो वो रबड़ी जैसा उसका वो जो है टेक्सचर आ जाएगा। फिर आप उसमें डालिए चीनी और अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स और एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज पसंद आई हो तो एक लाइक तो आप एंजॉय कीजिए अपने फेस्टिवल्स को। और मैं तैयारी करती हूँ कचौड़ियों की, कल मैं बनाऊँगी उड़द की दाल की कचौड़ियाँ, फिर उसकी एक छोटी सी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए बाय।